सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके माई आर्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल के आइकन पर ताकि आप आने वाली नई वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन पा सकें। मैं आपको डिजाइनर बोट नेक बनाना बता रही हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले हम बुकरम के ऊपर गला काटते हैं और ये मैंने बुकरम ली हुई है, इसको मैंने डबल किया हुआ है और इसकी जो चौड़ाई है डबल करके वो आप 5.5 इंच रख सकते हैं और जो गहराई है वो आप, मैंने इसकी गहराई वैसे 10 इंच ली हुई है लेकिन आप 8.5 इंच या 8 इंच तक इसकी गहराई ले सकते हैं। और अब हम गले के लिए निशान लगाएंगे तो इसकी जो चौड़ाई है वो 4.5 इंच हम लेंगे और जो गले की हम गहराई लेंगे वो 3.5 इंच लेंगे। एक निशान हम 3.5 इंच पर लगाएंगे और एक निशान हम 7 इंच पर लगाएंगे इस तरह से। और फिर ये हमारे जो गले की शेप होगी, पहले हम इस पर निशान लगाएंगे इस तरह से। ये निशान लगाने के बाद हमने जो ये 7 इंच पर निशान लगाया है, यहां से हम देखिए 0.5 इंच से भी कम कुछ पॉइंट केवल यहां पर इस तरह से एक निशान लगाएंगे और उसको हम धीरे धीरे इस तरह से और नीचे से उसकी चौड़ाई हम बढ़ाते चले जाएंगे और इसको इस निशान पर इस तरह से मिला देंगे। ये निशान लगाने के बाद हम यहां से या तो आप 1 इंच ले लीजिए या 1 इंच से थोड़ा सा कम, 1 पॉइंट कम ले लीजिए, इस तरह से पूरे गले पर निशान लगाते चले जाइए। देखिए यहां से यहां जितनी हमारी दूरी है, जैसे ये 1 इंच से 1 पॉइंट कम है यहां पर, तो इतनी ही दूरी हमें अब यहां की लेनी है 1 इंच से 1 पॉइंट कम। इस पर भी हमें इसी तरह से निशान लगाना है। देखिए ये हमारे निशान कुछ इस तरह से लगते हैं और इसके बाद हम इन दोनों निशानों की कटिंग कर देंगे यहां से और यहां से इस तरह से। ये वो पूरा ऊपर का हिस्सा मैंने काट दिया है और जो मैंने थोड़ा सा आपको बताया था कि 0.5 इंच से भी काफी कम यानी कि कुछ पॉइंट, उसको हम यहां से इस तरह से काटेंगे। फिर हमारा ये गला इस शेप में कटता है और अब मैं आपको इस गले से पीछे के गले की कटिंग करके बताती हूँ हम किस तरह से करेंगे। आगे का गला बुकरम पर काटने के बाद हम सबसे पहले पीछे के गले की कटिंग करते हैं और पीछे के कुर्ती का हम हिस्सा लेंगे और उसको डबल करके इस तरह से हम कुर्ती पर रखेंगे, बीच में से बिल्कुल यहां से हम उसको मिलाएंगे इस तरह से और ऊपर इस तरह से तीरे में मिलाएंगे और यहां पर बिल्कुल बुकरम के बराबर बराबर में इस तरह से हम यहाँ पर निशान लगा देंगे। और देखिए हमने ये जो निशान लगाया है ये हमारे तैयार गले का निशान है। तो जो हम इसकी कटिंग करेंगे वो थोड़ा ऊपर से करेंगे क्योंकि हमारा ये इतना हिस्सा सिलाई में दब जाएगा तो हमारा ये आगे और पीछे का हिस्सा बिल्कुल बराबर हो जाएगा। और एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर हम आगे का हिस्सा बुकरम पर नहीं बनाते हैं यानी वैसे ही हम काटते हैं बिना बुकरम के, तो हम दोनों हिस्से एक साथ रख के उसकी कटिंग कर लेंगे आगे का भी और पीछे का भी, तो वो बिल्कुल बराबर कट जाएंगे अगर हम बुकरम पर नहीं बनाते हैं तो। और एक बात मेरे जो सब्सक्राइबर मेरे से बार बार पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि आप उसमें बोट नेक में तीरा कितना लेते हो, तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ हम तीरा जितना हमारा नॉर्मल तीरा होता है उतना ही हम बोट नेक में तीरा रखते हैं। तो यहां से इस निशान से हम इसकी कटिंग कर देंगे और इसकी हम इस तरह से कटिंग कर देंगे। देखिए उसके बाद हम वो कपड़ा लेते हैं जो हमें गले पर लगाना होता है। आप इसकी जगह आप जैसे जिस कलर की आपकी कुर्ती है आप उस कलर का भी कपड़ा ले सकते हैं और इसकी जगह आप कोई दूसरा कलर भी ले सकते हैं और उस पर इस तरह से कपड़े के ऊपर अपने जो हमने गला काटा हुआ है उसको इस तरह से रखिए बिल्कुल सीधा करके
और अगर पेस्टिंग वाली आपके बुकरम है तो आप उसके ऊपर बिल्कुल सीधा रख के प्रेस कर लीजिए, और अगर पेस्टिंग वाली नहीं है तो इस तरह से बिल्कुल सीधा करके आप उसके ऊपर इस तरह से बड़ी सिलाई करके लगा दीजिए, यानी कच्ची सिलाई लगा दीजिए। देखिए मेरी ये बुकरम पेस्टिंग वाली है तो मैंने इसको प्रेस से चिपका लिया है, और इसके बाद इसको थोड़ा बाहर बाहर से इस तरह से चारों तरफ से हम इसकी कटिंग कर देंगे गले की शेप में। इस तरह से कटिंग करने के बाद ये जो हमारे यहाँ पर कट है, यहाँ पर हम इस कपड़े को इस तरह से बुकरम से हल्का सा बाहर रखेंगे, बस यहाँ पर दोनों साइड इस तरह से कट लगाएंगे, इधर भी और इधर भी। अब हम देखिए इस गले को इस तरह से इस कपड़े को अंदर को फोल्ड करेंगे, और किनारे से थोड़ी हटके यहाँ पर हम एक सिलाई लगाएंगे, और अगर आप डबल सिलाई रखना चाहते हैं तो यहाँ पर नॉर्मल सिलाई करके लगा दीजिए, यानी आप उस सिलाई को अगर उधेड़ना नहीं चाहते, और अगर आप एक सिलाई रखना चाहते हैं तो ये जो हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे आप उसको बड़ी सिलाई करके लगाएं और बाद में उसको उधेड़ दें, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। इस तरह से हम इसको अंदर को मोड़ के किनारे से थोड़ी हटके इस पर इस तरह से सिलाई लगाते हुए चले जाएंगे। जो मैंने यहाँ पर देखिए कट लगवाए थे उसको भी हम इस तरह से पहले इस साइड से फोल्ड करेंगे, और फिर यहाँ से इस तरह से ये हमारे अंदर को ऐसे फोल्ड करके तब हम यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। ये चारों तरफ इस तरह सिलाई लगाने के बाद हम इसको उल्टी साइड से इस तरह से बीच में से बिल्कुल फोल्ड करते हैं, और इस तरह से एक निशान बिल्कुल बीच में इसके लगा देंगे, और यहाँ पर एक कट लगा देंगे इस तरह से। उसके बाद हम अपनी कुर्ती लेंगे और उसको उल्टी साइड से बीच में से फोल्ड करेंगे, यानी हमें अपना जो हमने गला बनाया है उसको उल्टी साइड सील के सीधी साइड को पलटना है, और उस पर भी हम बीच में इस तरह से एक निशान लगा देंगे। आप पहले इस तरह से कर सकते हैं हाथ से, और एक निशान लगा दीजिए बीच में, और यहाँ पर इसमें भी बीच में कट का निशान लगा ले। बाद देखिए दोनों बीच के कट और ये दोनों लाइनें जो हमने गले के ऊपर और कुर्ते के ऊपर लगाई है, इनको बिल्कुल हम इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, और बीच में हम एक सिलाई लगा देंगे बड़ी करके गले पर नीचे तक। सिलाई हमारी बुकरम के ऊपर नहीं होगी, केवल हम बुकरम के बराबर में ये सिलाई यहाँ तक लगा के छोड़ देंगे। उसके बाद देखिए हम बिल्कुल बुकरम के बराबर बराबर में सिलाई लगाते चले जाएंगे, और जो हमने गला काटा है बिल्कुल उसके बराबर बराबर में पूरे गले पर हम इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। यहां तक सिलाई लगाने के बाद देखिए हम मशीन को इस तरह से उठाएंगे, और फिर इस पर भी हम इसी तरह से सिलाई लगाएंगे, दोनों साइड पूरे गले पर इसी तरह से सिलाई लगा देंगे। गले के चारों तरफ इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हम थोड़ा बाहर बाहर से इस तरह से पूरे गले की कटिंग कर देंगे। ये कटिंग करने के बाद हम बीच बीच में इस तरह से छोटे छोटे कट लगा देंगे। बस ये ध्यान रखना है कि हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए, सिलाई से थोड़ा ऊपर रखने चाहिए इन कटों को, और इस तरह से पूरे गले पर हम ये कट लगाएंगे। के बाद हम सीधी तरफ को गले को पलट लेते हैं इस तरह से, ये गले को यहां से हम इस तरह से, आप अगर आपकी मशीन में ये नहीं है तो आप किसी चीज से इसको निकाल सकते हैं, ये दोनों साइड की जो हमारी ये नोक बनी हुई है इनको हम इस तरह से निकाल लेंगे। देखिए इसको सीधी तरफ पलटने के बाद आप चाहें तो इसके ऊपर प्रेस कर लीजिए तो इसके ऊपर ज्यादा सफाई आएगी, और उसके बाद हम इसके किनारे पर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। देखिए जैसे अभी हमारी कुर्ती का कपड़ा थोड़ा बाहर की साइड दिखाई दे रहा है, तो जब हम इसके ऊपर यहाँ सिलाई लगाएंगे तो थोड़ा इसको इस तरह से खींचते हुए सिलाई लगाएंगे। इसको हम अपनी कुर्ती के कपड़े को इस तरह से अंदर की साइड को खींचते हुए पूरे गले के ऊपर किनारे किनारे पर इस तरह से सिलाई लगाते चले जाएंगे। उठाएंगे मशीन को, फिर इस तरह से कुर्ती के कपड़े को अंदर की साइड को थोड़ा हाथ से खींचेंगे, और पूरे गले पर इसी तरह से हमें सिलाई लगानी है। ये इस तरह से हमारे गले के चारों तरफ यहाँ पर सिलाई लग गई है।
देखिए उसके बाद हम पोटली बटन बनाएंगे। ये थर्माकोल की गोली है और ये मैंने चकोर पीस काटा हुआ है। आप जिस कलर के बटन लगाना चाहें उस कलर के आप पीस काट लें। और ये कई तरह से बनते हैं। अगर आपके पास थर्माकोल की गोली नहीं है तो आप रुई के यानी कॉटन के छोटे छोटे रोल बनाकर इसके अंदर भर सकते हैं, या छोटे छोटे कपड़ों की कटिंग काट के आप इसके अंदर भर सकते हैं। और ऐसे बीच में रखिए इस तरह से, और उसको इस तरह करिए, थोड़ा सा इस तरह से आप घुमाइए उसको और ऐसे सुई निकालिए और इस पर चार पांच बार इस तरह से रोल कर दीजिए, इसको टाइट कर दीजिए इस तरह से, और फिर इसको पक्का कर दीजिए इस तरह से। और करने के बाद आप थोड़ा दूर से इस तरह से, थोड़ा बाहर से इसको इस तरह से काट दीजिए ऐसे। कि उसके बाद जो हमने थर्माकोल के बटन बनाए हैं उनको हम इस तरह से ऐसे अंदर रखेंगे और इतनी जगह छोड़ देंगे जितना हमारा ऊपर तीरे की सिलाई में जाएगा, जैसे इतना हमारा तीरे की सिलाई में चला जाएगा। और यहां से हम सिलाई लगानी ऊपर से ही शुरू करेंगे इस तरह से, और ये पूरा जो हमारा कपड़ा है उसको अंदर करेंगे और इस तरह से हम जितनी जितनी दूरी पर हमें ये बटन लगाने हैं इस तरह से हम बटन लगाते चले जाएंगे रख के। ये इस तरह से हमारे पूरे गले पर ये बटन लग गए हैं। और अगर आप ऐसे नहीं लगा सकते तो आप पहले सुई से कच्चा करके लगा लीजिए और फिर मशीन से, और बीच बीच आप बराबर बराबर दूरी पर निशान लगाकर भी ये बटन लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने दो डोरी बनाई हुई है और हम इसमें लटकन लगाएंगे और फिर इसको गले पर लगाएंगे। लटकन लगाने के लिए मैंने बिल्कुल चकोर पीस काटा हुआ है और इसको हम बीच में से ऐसे फोल्ड करते हैं। इसकी सीधी साइड हमारी अंदर होगी और उल्टी साइड बाहर होगी, और इसको डोरी को बिल्कुल बीच में इस तरह से रखेंगे ऐसे निकाल के, और यहां पर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। ये डोरी अंदर रख के इसके ऊपर हम इस तरह से सीधी सिलाई लगा देंगे और यहां से इसको दोबारा से पक्का कर देंगे। इसके बाद हम इसको सीधा कर देते हैं इस तरह से, देखिए ये ऐसे सीधी हो गई। और इसको हम नीचे से आप जितनी बड़ी इसको चाहें इसको थोड़ी सी हम गोलाई में इस तरह से काट देंगे। देखिए इस तरह से हमारी ये लटकन बन जाता है। दोनों डोरियों में हमें इसी तरह से लगाना है। इसके बाद देखिए हम इन डोरियों को, एक डोरी को हम यहाँ लगाएंगे इधर और एक डोरी को इधर लगाएंगे, और इसको हम सुई से लगा देंगे उल्टी साइड में इस तरह से, ताकि हमारा ऊपर ये टाके दिखाई ना दे। इस तरह से लगा के आप इसको पक्का कर दीजिए और दोनों साइड आपको इसी तरह से डोरी लगानी है। और देखिए पीछे के गले में हम और एक पट्टी काटकर लगा देंगे और अंदर को मोड़ देंगे, जैसे हम अपने बाकी सभी गलों पर लगाते हैं, और उसके बाद तीरा जोड़ देंगे। ये देखिए ये हमारा गला तैयार हो गया है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट करें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।
Oh, my God.